हेलो एवरीवन, मैं रमेश शर्मा एचआर रियल्टर से। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ एंड आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 200 गज में बना हुआ डुप्लेक्स विला है जो कि 4 बेडरूम है। ये इसका फ्रंट यार्ड आ जाता है जहां पे आप 2 गाड़ियां इजिली पार्क कर सकते हैं और उसी के साथ आपको एक छोटा सा ग्रीन एरिया दिया गया है। और इसकी एंट्रेंस पे वुडन का काफी खूबसूरत वर्क किया गया है जो कि आपके विला की एंट्रेंस की खूबसूरती को काफी बढ़ा देता है। और ये आपका मेन डोर है आपके विला का, तो आइए आपको ले चलते हैं विला के अंदर। विला में एंटर करते ही राइट लेफ्ट हैंड साइड पे आपका ड्राइंग एरिया आ जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफी स्पेशियस है और इसकी एक वॉल को हमने पूरा वुडन फिनिश दिया है। और इसी तरह इसकी फॉल सीलिंग पर भी हमने वुडन का वर्क किया है। और इसी के साथ आपको वुडन के कैबिनेट भी मिल जाते हैं। ड्राइंग एरिया से बाहर आते ही ये आपका डाइनिंग एरिया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी फॉल सीलिंग में भी हमने सारा वुडन का वर्क किया है। और आपके डाइनिंग एरिया से आपकी किचन की एंट्रेंस होती है, यहां भी हमने आपको वुडन के कैबिनेट दिए हैं। और जो किचन है वो सेमी मॉड्यूलर रहेगी। ये आपका पेंट्री एरिया आ जाता है जिसमें कि आप डेली नीड्स की काफी चीजों को स्टोर करके रख सकते हैं। और इसमें कैबिनेट्स जो भी रहेंगे वो सब सॉफ्ट क्लोजर के साथ आते हैं। और डाइनिंग एरिया के साथ ही आपका आ जाता है फर्स्ट बेडरूम। अगर फॉल सीलिंग की बात करें, इसमें भी आपको सेम वुडन का वर्क मिलता है। और वार्डरोब्स जो आपकी रहेंगी, इसमें स्लाइडिंग रहेंगी जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये आपका ड्रेसिंग एरिया दिया गया है एक कॉर्नर पे, उसी के साथ आपका वॉशरूम आ जाता है। और कैबिनेट आपको हर बेडरूम में मिलेंगे जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, आपको टीवी के लिए कैबिनेट दिया गया है। इस बेडरूम से बाहर निकलते ही आपका आ जाता है सेकंड बेडरूम। काफी स्पेशियस है, इसमें सेम वुडन का वर्क किया गया है आपकी फॉल सीलिंग पर, आपकी टीवी कैबिनेट में। और जिसमें इसमें आप देख सकते हैं, जो इसमें वार्डरोब से थोड़े से डिफरेंट है। और ये आपका वॉशरूम आ जाता है। और ये स्टेयर्स हैं जो कि आपके फर्स्ट फ्लोर पे जाती हैं। फर्स्ट फ्लोर में जैसा आप देख सकते हैं, इसमें फॉल सीलिंग में भी वुडन का वर्क है। और जहां से आप एंटर करते हैं फर्स्ट फ्लोर में, उसमें भी काफी अच्छा वुडन का वर्क किया गया है। और एक छोटा सा आपको लॉबी एरिया मिल जाता है आपके फर्स्ट फ्लोर पर। और उसी के साथ आता है आपका थर्ड बेडरूम। इसकी फॉल सीलिंग में आप देख सकते हैं वुडन का वर्क।
वार्डरोब्स दिए गए हैं, काफी स्पेशियस वार्डरोब्स हैं। और ये आपका वॉशरूम आ जाता है। और इसी रूम में आपको बहुत बड़ी सी विंडो दी गई है जिससे कि आपको नेचुरल लाइट इजीली मिल सकती है रूम के लिए। और टीवी कैबिनेट दिया गया है वुडन का। और ये आपका पूजा रूम आ जाता है। पूजा रूम के साथ ही आपको एक स्टोर दिया गया है। और ये है आपका लास्ट एंड फोर्थ बेडरूम। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बेडरूम थोड़ा सा स्पेशियस है। और इसमें जो ड्रेसिंग एरिया है वो आपको अलग से दिया गया है और उसी के साथ आपका वॉशरूम है। और इसी बेडरूम के साथ आपको बालकनी मिल जाती है जो कि आपको फ्रंट व्यू देती है। और लॉबी से ही आपका जो रास्ता निकलता है जो आपके फर्स्ट फ्लोर के बैकयार्ड की तरफ निकल जाता है। ये स्टेयर्स आपके रूफ में जाती है जहां पे आपको एक सर्वेंट रूम और एक सर्वेंट वॉशरूम मिल जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये विला काफी पसंद आया होगा। मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ, ये 200 गज में बना हुआ विला है और इसकी जो लोकेशन है वो सेक्टर 125 मोहाली है जो कि एयरपोर्ट रोड के काफी क्लोज है और चंडीगढ़ से मात्र 15 मिनट की दूरी पर है। और इस विला के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या प्राइस के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और थैंक्स हमारा यूट्यूब चैनल देखने के लिए, हमें लाइक करने के लिए। हम ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।